देखिए, ये आज का जो दिन है ये बहुत दुखद दिन है, क्योंकि भारतीय उद्योग जगत में जिस तरह से उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, बहुत निष्ठा के बल पर, नीचे से, बिल्कुल स्क्रैच से, ज़ीरो से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी गोरखपुर से, और इतने हाइट पर वो गए, मैं कहूँगा कि हाईली स्पिरिचुअल पर्सन थे वो, बहुत अधिक आध्यात्मिक थे, बहुत अधिक राष्ट्रवादी थे। ये बात अलग है कि उतार चढ़ाव हर व्यक्ति की ज़िंदगी में आता है, और मैं उन चुनिंदा भाग्यशालियों में से हूँ ट्विटर पे जिसको वो फॉलो करते थे। ट्विटर पे वैसे तो उनके एक्स, अब नाम है कंपनी का, हज़ारों फॉलोअर्स उनके ट्विटर पे थे, लेकिन वो जिन 317 लोगों को फॉलो करते थे उनमें मैं भी एक हूँ, और मेरा नाम चेतन उपाध्याय है, मैं बनारस में रहता हूँ, सत्या फाउंडेशन नाम से एक संस्था चलाता हूँ। जब वो तिहाड़ जेल में थे तब भी मैं उनसे मिलने के लिए गया था, और मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो उनका निधन है बहुत अप्रत्याशित है, और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर मतलब जैसे मुझे लगता है कि मैंने अपना अभिभावक खो दिया है, मैंने अपना गार्जियन खो दिया है, और मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। ये संयोग था कि आज किसी कार्यक्रम के सिलसिले में मैं संयोग से मुंबई में ही था, होटल में मुझे समाचार मिला और मैं भागे दौड़े इस अस्पताल में आया उनके अंतिम दर्शन के लिए। सर, अभी यहाँ पे उनके परिवार में मौजूद है, क्या कुछ आगे का जो है वो कार्यक्रम में तय किया जाएगा? जी, जैसी मुझे सूचना मिली है, कॉरपोरेट ऑफिस के तमाम लोग हमसे परिचित हैं, जैसा उन्होंने मुझे अभी अंदर बताया कि कल किसी समय में डेड बॉडी को यहाँ से लखनऊ ले जाया जाएगा, और संभवतः परसों उनका अंतिम संस्कार होगा। ओके, धन्यवाद।